गुड आफ्टरनून। अभी आज मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ। अम्मा हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, 10 डेज तक उनको हॉस्पिटल में रखना है। ट्रैक्सन में है वो, उनका ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने उनको कंप्लीट रेस्ट में रहना है। और थोड़ा चावल को चला दो। 3 महीने उनको कंप्लीट रेस्ट में रहना है, 10 डेज तो हॉस्पिटल में रहना है, ट्रैक्सन में है। और थोड़ा सा भी पैर को उनको मूव नहीं करना है, मीन्स थोड़ा सा भी पैर को हिलाना डुलाना नहीं है। कहीं उनको यूरिन भी पास करना है और जो होता है अपना डेली रूटीन का वो सब कुछ उनको बेड पे ही करना है। तो वही है। और 10 डेज के बाद भी जब वो आएंगी घर पे, 10-12 डेज के बाद भी, तो उनको उस पैर के ऊपर, उनका कौन सा पैर हुआ, लेफ्ट हुआ है, तो लेफ्ट लेग पे एकदम से प्रेशर नहीं देना है। तो किसी दो को ऐसे पकड़ के फिर उनको जहाँ बैठने की इच्छा है वहाँ पे बैठाया जाएगा। वॉकर उनको 10 दिन के बाद ही नहीं मिलेगा, शायद डॉक्टर बोले हैं कि मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद, या जब डॉक्टर देखेंगे कि उनका हड्डी जो है जहाँ से थोड़ा सा गिरा हुआ। गोल्डी उसको मेरा को उधर करने दो ना, इस तरफ आ जाओ। कहाँ थी? हाँ, तो जब डॉक्टर को लगेगा कि थोड़ा सा हड्डी उनका जुड़ा है, तब जो है सो कि उनको वॉकर देंगे। और वॉकर पे भी उनको उस पैर के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, वॉकर उनको इसलिए मिलेगा। क्या हो गया? वॉकर उनको इसलिए मिलेगा कि वो आराम से थोड़ा सा कहीं एक जगह से उठ के कहीं जाने की इच्छा है तो जा करके बैठ सके। तो अभी वही है, मैं अभी घर पे हूँ और श्वेता जो है सो कि हॉस्पिटल आई हुई है, मेरी देवरानी जो है, तो नाश्ता और दिन का जो अम्मा का लंच है वो लेके आ रही है। मैं अभी जो है, मेरे भाई जी आए हुए हैं, मतलब गुड्डू के बुआ के लड़के आए हुए हैं, सबसे बड़े भाई वही हैं, तो आज वो जा रहे हैं फिर से, तो उनके लिए, रास्ते के लिए उनके लिए थोड़ा सा खाना, उनका टिफ़िन पैक करने के लिए, और प्लस अम्मा के लिए टिफ़िन बना के डिनर अम्मा का रात में लेकर के जाऊंगी मैं। तो 3 बजे तक मैं घर से निकल जाऊंगी, फटाफट काम कर रही हूँ मैं। चावल शायद पक गया मेरा, शायद नहीं, अजवाइन खत्म हो गया, एक पिंपल्स आ गए फेस पे, पता नहीं क्यों, मुझे कभी होता नहीं है, पता नहीं क्यों हो गया। चावल पक गया, मेरा सर्दी ठीक हो गया था, फिर से नाक से पानी निकल रहा है। अभी वही कर रही हूँ, कचौरी का आटा मिला रही है भाई जी के लिए। हम लोग कचौरी बोलते हैं, बाग मोती यहाँ पे पूरी बोलते हैं। तो पूरी और आलू का वो सूखा जो भाजी होता है वो बनाने वाली हूँ, ताकि वो ख़राब नहीं होगा, तो वो बना रही हूँ मैं। और अम्मा के लिए आलू पराठा, हाँ अम्मा के लिए आलू पराठा और टमाटर की चटनी। अम्मा कल बोल रही थी बैंगन का भुजिया लेके आइएगा, लेकिन अम्मा फिर आज बैगन नहीं बोलिए, तो आलू पूरी और टमाटर की चटनी, तो अम्मा के लिए वो बना कर लेके जा। उस चैनल पे वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, वो ब्यूटी वाले चैनल पे नहीं इच्छा हो रही है कि कुछ बनाया जाए ऐसे कर। ना सबसे कष्टदायी होता है बेड के ऊपर, आपको जब अपना डेली रूटीन का सब जो है अगर आपको बेड पे करना पड़े ना, तो सबसे बड़ा कष्ट वही होता है। तो अम्मा को सबसे बड़ा कष्ट वही हो गया, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत तकलीफ़ होती है उनको जब वो करती हैं, उसके बाद उनको बहुत तकलीफ़ होती है।
अम्मा प्याज लहसुन नहीं खाएंगी, छठ के बाद खाएंगी, दीपावली के नेक्स्ट डे से अम्मा प्याज लहसुन नहीं खाती। तो अम्मा का बिना प्याज लहसुन का बनेगा खाना। प्याज इसलिए मैं बोली हूँ कि प्याज को अंदर रखो, पता चला गलती से मैं क्या हो गया, गलती से मैं कहीं प्याज ना डाल दूँ। तीनों भाग गया। हम बोले भैया का ना ग्रह नक्षत्र आपके आदमी सबसे नहीं मिल रहा, जहाँ से मेरा ग्रोसरी का सामान आता है वहाँ पे जो उनका स्टाफ है ना, हर जो आता है हर 6 महीने पे एक बार आता है, 1 महीने से 1.5 महीने टिकता है, उसका फिर भाग जाता है। हम बोले हैं भैया को कि भैया आपका ग्रह नक्षत्र आपके स्टाफ के साथ नहीं मिल रहा, ऐसा हो। अरे हाँ तीन आया था ना इस बार, 3 साथ में आया था, तीनों साथ में चला गया। एक को तो प्रॉब्लम ही है सीने में, उसको तो छोड़ दो। यूपी में हाँ, तो एक के साथ दो फ्री आया था उनके पास, पहले एक ही स्टाफ था उसका, तो वो जब आया इस बार तो अपने साथ दो स्टाफ को लेके आया, उसके बाद जब गया है तो तीनों साथ में गया। एक बाय वन गेट टू फ्री और उसके बाद ऑफर खत्म। आलू को कर रही हूँ अम्मा के लिए, आलू पूरी बनाना है ना, तो इसमें प्याज नहीं डालना है, तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर सिर्फ राई तेल डालूंगी। हाँ इसमें राई तेल डालूंगी और जो धनिया पत्ती होता है ना उसको बारीक काट के डालूंगी। नमक और हरी मिर्च काट के डालूंगी। टमाटर पका चुकी हूँ, इसका चटनी बनाना है। अरे हाँ गोडी हरी मिर्च बोल दो अंकल को, हरी मिर्च खत्म हो गया। गुड्डू जा चुके हैं हॉस्पिटल, जब मैं जाऊंगी तो गुड्डू यहाँ आ जाएंगे। और अभी सुबह से श्वेता और डब्लू जी थे और नाइट जो शिफ्ट था वो सम्यक का था। नाइट में हाँ, नाइट जो है अम्मा के पास रुकने का काम सम्यक का था। अभी श्वेता डब्लू जी हर्षत यानी कि सम्यक के छोटे भाई और गुड्डू
ये सब हॉस्पिटल। वो वाले चैनल पे सोच रही हूँ, सेकंड जो चैनल है उस पे कल से हाँ दाल भी डाल दूंगी, तो उसके लिए रेडी होना होगा। जल्दी से आज नहा लो, पहले नहा लो जाने से पहले। लेकिन अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है ना। हाँ तो आज बना लोगी तो कल तो कम से कम अपलोड हो जाएगा। हाँ सोच रही हूँ अभी बनाऊंगी तो परसों। नहीं अभी करेंगे, सोच रही हूँ कि उस पर वीडियो बना लूँ, आज एक बना लेती हूँ। गंदा था उसके पैर, मीरा के पैर के अंदर छोटा सा काला रंग का डॉट था, तब से गोल्डी कह रही है मीरा मौसी पैर के अंदर अपना काला टीका लगा के। अभी जाऊंगी तो 8:30 तक आ जाऊंगी, 8:30 to 9 o'clock के बीच में रात में आ जाऊंगी। अम्मा को समय की शादी में रहने की बहुत इच्छा थी। मुझे भी इच्छा थी समय की शादी में रहने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब वो शादी में जा ही नहीं सकती। अम्मा को बोलती थी अम्मा आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो उतने ही समय की शादी के बाद आए। हम लोग हमेशा बोलते थे अम्मा को कि अम्मा आ जाएगी, हो गया वो छठ में दशहरा के बाद जाती हैं और छठ के बाद आ जाती हैं, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि 1 year से अम्मा थी घर पे नहीं आई थी कि समय की शादी। जब वो 1 साल हो गया था ना अम्मा को, जब फ़ोन करते थे कि अम्मा आ जाइए तो समय की शादी करा ना, समय की शादी कि अम्मा समय की शादी में जा ही नहीं पा रही। मैं इस बात का भी उनको बहुत तकलीफ, समय की शादी में नहीं है। इसलिए ज्यादा इंतजार करने से सब गड़बड़ होता है। ऐसा गोल्डी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। अंशु का एग्जाम तो चौथ की शादी, अंशु का एग्जाम तो शुरू होने के पहले ही, वही ना अंशु का एग्जाम तो 23 November से शुरू हो रहा है और 24 को समय की शादी है। रिसेप्शन जब समय की वाइफ का नाम स्मृति है और समय 24 घंटे स्मृति में ही खोए रहते हैं। स्मृति मतलब, स्मृति मतलब क्या होता है, स्मृति का मतलब क्या होता है, यादों में याद। हाँ मुझे याद है वाइफ का नाम ही स्मृति है, तो समय लाल स्मृति में ही खोए रहते हैं। समय के एक और टेंशन में है, गोल्डी को बोलते बेटा, गोल्डी को कहेंगे कि गोल्डी एक चीज बताओ, गोल्डी अंशु है ना, समय को चाचू नहीं बोलेंगे, बोलते क्या चॉट्स बोलते, चॉट्स तो समय बोलेंगे क्या कि गोल्डी मुझे चॉट्स बोलती हो तो समझ में आता है, चाची को क्या बोलो। हमने तो सोचनी है मुद्रा, हम लाइट गई मैं, और ये तो सोचनी है मुद्रा है भैया कि अभी अपने चाची को क्या बोलेगी। लाइट गई मेरा फेस आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा। हाँ चाची को चाची बोलो, चाची को चाची बोलेगी। समय को सबसे बड़ा टेंशन है, एक भुजिया वाला गैस कम कर दो नहीं तो आलू जल जाएगा, एकदम कम कर दो, लग रहा है जल गया क्या आज के, यहाँ पे भूल गए हैं भाई जी के लिए आलू का भुजिया बना रही हूँ, आपसे गप्पा मारने के चक्कर में बैठी हूँ अभी लाइट चली, क्या दुश्मनी आपको मुझे भुजिया बस ना
चोखा नहीं बनाना, चोखा ही बनाना है तभी तो आलू बनाना है, आलू का तो इतना भरता कौन करता है। भगवान इसको आलू पूरी पता ही नहीं है क्या, हंसाई देखियो नहीं इतना भरता कौन करता। तो फिर आलू जब तक भरता नहीं होगा तब तक उसका पूरी कैसे बनेगा भैया। मैं पहली बार इतना भरता करती क्योंकि अभी तुम देख रही हो, कभी तुम देखती नहीं हो, अभी देख रही है ना। जल गया क्या? नहीं ना, नमक देखिए दूध के अंदर क्या है, आलमंड है, बादाम, खाने से दिमाग तेज होता है। गोली का दिमाग बहुत तेज है, खाई हुई है बहुत। केस कर दूंगी मैं इस बात के ऊपर में। मेरे मामा कहते थे, मेरी दोनों मामी एकदम पतली, दोनों मामी बहुत पतली बहुत पतली, तो और दोनों मामी को ना हॉर्लिक्स सुबह में घोल करके पीते थे। तो मेरे बड़े मामू हैं ना, वो कहते थे कि हॉर्लिक्स कंपनी के ऊपर केस कर दूंगा। हाँ कि जो हॉर्लिक्स कंपनी बोलती है ना कि हॉर्लिक्स पीने से स्ट्रांग होता है और ये होता है, केस कर दूंगा। मेरी मतलब अपनी वाइफ के बारे में बोलते थे, मेरी मामी के बारे में, कि मेरी बीवी और मेरे भाई की वाइफ किसी भी मोटी नहीं हुई है आज तक मेरी मामी मोटी, दोनों मामी एकदम एकदम पतली, एकदम पतली है। वही वाली बात है कि ये जो बोलता है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है तो केस ठोक देना चाहिए। इंटेलिजेंट ना ही हो, मेरा इतना गीला गीला क्यों रहता है बस। अभी दिन के बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है बता दीजिए। लाइट गई हुई है, ये जनरेटर का लाइट है और गोल्डी कह रही है एलेक्सा, मैं बोली होगी मेरे बॉडी के करंट से एलेक्सा चलेगी, लाइट गई गई एलेक्सा गई खत्म एलेक्सा। नमक सुनी पानी पी रही हूँ, फैक्ट्री में भी आनी चाहिए। हाँ तुम अमेजोन वाले को आइडिया दो कि एलेक्सा को बैटरी में, अरे बैटरी बहुत महंगा पड़ता है, आप भी बताओ बैटरी महंगा पड़ता है कि नहीं। गैस थोड़ा कम कर, मीरा से कढ़ाई थोड़ा घिसवा रही हूँ, वो ये नहीं हुआ है अच्छे से, क्या बोलते हैं भुजिया उसके अंदर बनाई हो ना, तो भुजिया जो है सो वो आलू का, तो वो ये नहीं हुआ है, वो थोड़ा चिपक गया उस कढ़ाई में, तो वही बोली हूँ कि उसको थोड़ा अच्छे से धो दो। और अभी यहाँ पे नया आलू नहीं मिल रहा है, हमारे तरफ नया आलू मिलना शुरू हो गया है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है नया आलू, इसलिए आज का मैं वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। कोशिश करूँगी फिर कल बनाने की ब्लॉग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।